मैं नरेश रागानी स्वागत करता हूँ आपका हॉराइजन नेट न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। पहली बार वीवीपैट का उपयोग होगा लोकसभा उपचुनाव में। मतदाता खुद के वोट का कर सकेंगे वेरिफिकेशन। प्रशासन जुटा चुनाव की तैयारियों में। सांसद सावालाल जाट के निधन के बाद होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर गौरव गोयल ने चुनाव के संचालन के लिए कई प्रकोष्ठों का गठन किया है। विभिन्न अधिकारियों को इन प्रकोष्ठों का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर गौरव गोयल ने इन अधिकारियों की बैठक लेने के बाद कहा कि अजमेर में पहली बार वीवीपैट से चुनाव होंगे। इस मशीन के माध्यम से लोग वोट देने के बाद अपने वोट का वेरिफिकेशन कर सकेंगे। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए निर्वाचन विभाग के निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार प्रारंभिक तैयारियाँ हमने शुरू कर दी हैं और उसके लिए आज जिला स्तर पे जो विभिन्न प्रकोष्ठ बनाए जाने हैं उनके प्रभारी अधिकारियों के साथ आज प्रथम बैठक की गई, जिसमें विशेष रूप से गत चुनाव और अब होने वाले जो चुनाव हैं उसके बीच जो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ आया है वीवीपैट और नए तरह के जो नियम और नई व्यवस्थाएँ आई हैं उनके बारे में सेंसिटाइज किया गया। स्पेशली वीवीपैट को लेकर, चूँकि बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट ईवीएम मशीन के साथ पहली बार राजस्थान में लोकसभा चुनाव में ये वीवीपैट का उपयोग होगा, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसमें वोट डालने के बाद जो मतदाता है वो एक पेपर प्रिंट के माध्यम से वेरीफाई कर सकता है कि उसने किस प्रत्याशी के हक में मतदान किया है, तो वो वेरीफिकेशन हो जाता है जिससे उससे पूरी संतुष्टि, एक तरह का ऑडिट तत्काल हो जाता है कि मैंने जिस मतदाता को वोट डाला है वोट उसी के हक में रजिस्टर हुआ है। तो वीवीपैट के पहले बार उपयोग होगा, उसके लिए आवश्यक चर्चा की गई, दिशा निर्देश दिए गए, विभिन्न प्रकोष्ठ जैसे ट्रेनिंग का प्रकोष्ठ है, जैसे पोलिंग पार्टीज के कॉन्स्टिट्यूशन उनका प्रकोष्ठ है, जैसे गाड़ियों की व्यवस्था को लेकर प्रकोष्ठ है, टेंट माइक वगैरह आदि व्यवस्थाओं का प्रकोष्ठ है, आर ओ सेल का प्रकोष्ठ है, ऐसे करके विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन की चर्चा की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा कार्यक्रम के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, एक शिक्षिका ने लगाया आरोप, कलेक्टर को ज्ञापन देकर की जांच की मांग। क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा कार्यक्रम के नाम पर एक संस्था लाखों रुपए की ठगी कर रही है? ऐसा ही एक सवाल शहर की एक बेटी ने संस्था पर उठाया है। इस शिक्षिका ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर संस्था की जाँच की मांग की है। शिक्षिका का कहना है कि इस संस्था ने राजस्थान भर में शिक्षकों को नियुक्ति की है। हर शिक्षक को 40 विद्यार्थी जुटाने होते हैं। इन 40 विद्यार्थियों से 55 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से राशि एकत्रित कर संस्था को भेजनी होती है। इस तरह हर कोई इकाई को 2200 रुपये की राशि भेजनी होती है। इसके बदले संस्था द्वारा हर महीने शिक्षिका को 5500 रुपये की सैलरी दी जाने का आश्वासन दिया गया। शिक्षिका ने 40 बच्चे एकत्रित कर उनसे 2200 रुपये लेकर संस्था को भेज दिए। अब संस्था की ओर से सैलरी नहीं भेजी जा रही है। संस्था ने अजमेर जिले में 160 शिक्षकों की नियुक्ति की हुई है। हाँ सर, पंडित दीनदयाल नाम से ये संस्था चलाई गई है। संस्था के अंतर्गत प्रत्येक जो मोहल्ला बस्ती होती है वहाँ से एक गर्ल कलेक्ट की गई है शिक्षिका के रूप में, और जो विशाल सक्सेना है उसने फॉर्म दिए गए हैं। 40 स्टूडेंट कलेक्ट करने को बोले, पर बच्चा 56 रुपीस चार्ज करने को बोला है। वो चार्ज करके 2240 रुपये प्रत्येक के लिए से उन्हें इकट्ठे करके दिए गए हैं, और उन्होंने बोला था हमारी 2240 रुपये पेमेंट आएगी और ये 56 रुपये भी आपको 3 मंथ में रिटर्न हो जाएंगे। 3 मंथ बाद बाय अकाउंट आपको 5500 रुपये सैलरी आएगी। उसके अकॉर्डिंग ये संस्था चलाई गई है। पंडित दीनदयाल नाम से ये संस्था नहीं है। फॉर्म जो है फर्जी छपाए गए और अब लोग वो पलट गए। उन लोगों ने बोला 2240 रुपये घर से आके ले जाइए मीटिंग कलेक्ट करके, क्योंकि अब ये पता पड़ गया कि ये संस्था पंडित दीनदयाल नाम से नहीं है। आपको कैसे पता पड़ा कि संस्था दी? हमने नेट पे सर्च करा, वहाँ से छत्तीसगढ़ का फ्रॉड मामला निकला। उसके बाद हमने सर वगैरह से पता किया कि ये संस्था रियली पंडित दीनदयाल नाम से है क्या, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये पंडित दीनदयाल के यहाँ से कोई भी संस्था नहीं चलाई गई है। बाद में पता करा तो बोला कि तुम लोग चुपचाप सेंटर बंद कर दो और जो तुमने 2240 रुपये हमें दिए हैं वो हम आपको रिफंड कर देते हैं। तो किसी भी पंडित दीनदयाल संस्था से संस्था नहीं चलाई गई है। कितने लोगों ने 2240 रुपये के कलर दिए? इस अजमेर से 107 सेंटर हैं और विशाल सक्सेना इसके डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर है। तो आपको क्या लग रहा है कि हम फर्जी था पूरे? हाँ, फर्जी था पूरे, कुछ नहीं हो, बस इस फर्जी संस्था को बंद किया जाए और बाकी लोग जो गरीब बच्चे हैं दब रहे हैं, अब उनको बेचारों को ट्यूशन भी नहीं दी जा रही, कुछ भी नहीं जा रही, और बेचारे जो गरीब बच्चे दब रहे हैं इसके अंदर, वो तो 10.5 लाख रुपए अजमेर डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठा करके ले गए, अब उसका फायदा क्या मिला स्टूडेंट्स को? हमें बोल दिया तुम्हारे 2240 रुपये रिटर्न लेके सेंटर बंद कर दो,
स्टूडेंट बेचारे इस अब आप क्या चाहते हैं कि पहले तो इस संस्था को बंद की जाए और उसके बाद जो हमें मुआवजा मिला था वो रिटर्न किया जाए, जो हमारी इंसल्ट हुई है स्टूडेंट के बीच में। अब हमें एरिया वाइज ये बोला जाता है कि तुम्हारी पेमेंट स्टार्ट हो गई 5,500 रुपये तुम्हें मिलने लग गए, तो तुमने सेंटर बंद कर दिए, तुम लोग फ्रॉड करते हो, ये सब बातें हम स्टूडेंट के पेरेंट्स की सुनते हैं। अब अभी आज आपने क्या किया कलेक्टर को? हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि सबसे पहले तो ये संस्था पूरे अजमेर में बंद की जाए क्योंकि ये संस्था फ्रॉड, उसके बाद हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमें भी रास्ता मिले आगे बोलने का, जवाब देने का। नाम बताओ आपका? मेरा नाम शिवानी। भ्रूण जांच मामले में गिरफ्तार डॉक्टर को हुई जेल। भ्रूण जांच के मामले में गिरफ्तार हुआ था डॉक्टर, अदालत ने दिए जेल भेजने के आदेश। भ्रूण जांच भले ही प्रतिबंध और कानूनी अपराध हो, लेकिन कुछ डॉक्टर ये काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मोहन यादव और राम रघुनाथ चौधरी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनके कृत्य को जमानत योग्य नहीं मानते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। डॉक्टर मोहन यादव और राम रघुनाथ चौधरी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहाँ से न्यायालय ने 27 को दी है और अभी जमानत पर जो बेस हुई है उस पर आदेश थोड़ी देर में हो जाएगा, तो 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दीजिए आदेश। आपका नाम? राजीव लोचन गौतम, जिला समन्वय। समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर में हुई जन सुनवाई। 55 लोगों की समस्या के समाधान के लिए किया गया प्रयास। जन सुनवाई के लिए अटल सेवा केंद्र में बैठे सारे अधिकारी। कलेक्टर में अटल सेवा केंद्र में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई में एडीए तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। जिले के 55 लोगों की समस्याओं को सूचीबद्ध कर उनका एक एक कर निस्तारण का काम किया। अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज द्वितीय गुरुवार है, प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को जिला स्तर पर विजिलेंस की बैठक प्लस जन सुनवाई रखी जाती है। आज अजमेर जिले में इसी संदर्भ में एक विशाल जनसुनवाई का आयोजन किया गया। अटल सेवा केंद्र पर लगभग 55 लोगों ने अपनी विभिन्न शिकायतें दर्ज कराई। उन शिकायतों का जो SDM साहिबान, तहसीलदार साहिबान, BDOs, VC से हमारे से जुड़े हुए थे, उनको बकायदा हमने जो निर्देश देने थे निर्देश दिए। जो प्रार्थी उपस्थित थे उनकी भी सीधी उनसे बातचीत कराई और उनका जो निस्तारण यहाँ हो सकता था वहाँ कर दिया। आगे का जो समय देना था तहसीलदार SDM से संपर्क करके उनका समय भी दिया गया। इसके अलावा विजिलेंस में आज 11 प्रकरण दर्ज थे, उन 11 प्रकरणों पर भी विधिवत सुनवाई कर आम जनता को लाभान्वित किया। चांदी चोरी के मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार। गंज थाना क्षेत्र में हुई थी चांदी की चोरी। चांदी आभूषण बनाने वाला ही निकला चोर। गंज थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के यहाँ चांदी चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। व्यापारी ने इस युवक पर चोरी करने का शक जताया था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो युवक ने चोरी का राज खोल दिया। पुलिस ने चोरी हुई चांदी को युवक के घर से बरामद की है। सर दिनांक 12 को शाम को श्री पुरुषोत्तम धर्मदास ने थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि साहब मेरी स्कूटी की डिग्गी से मेरे 2 किलो चांदी के झुमरू वगैरह चोरी करके ले गए। उसे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करके सुबह मैंने अनुसंधान आरंभ किया। अनुसंधान पुरुषोत्तम ने मुझे बताया कि साहब वहाँ जब मेरे स्कूटी की डिग्गी से मेरी चांदी चोरी थी उस टाइम मैंने पूछताछ की तो कि गोविंद नाम का जो लड़का है जो भी घुंघरू चांदी के बनाने का काम करता है वो वहाँ घूम रहा था। उससे मैंने पूछा तो उसने मना कर दिया क्योंकि मेरा उस पर शक है। तो मैंने फिर कल दिन में उसको गोविंद की तलाश करके लेके आया। गोविंद को लाकर उससे मैंने पूछताछ की। पूछताछ करने के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और उसने कहा साहब मैंने ही वहाँ इसको क्योंकि डिग्री पर चांदी के घुंघरू वगैरह चोरी किए। मैंने फिर उसकी इतला से ही उसकी घटना स्थल तस्दीक करा के वहाँ उसके माल उसके घर से टेलीग्राम करके लेके जब्त की जिनको उसको मैंने गिरफ्तार कर लिया और आज कोर्ट में पेश किया। सुभाष उद्यान बनेगा राजस्थान का बेहतरीन पार्क। 10 करोड़ की लागत से चल रहे हैं कई काम। सुभाष पार्क में घूमने की राशि भी लगेगी। शहर का सबसे बड़ा सुभाष पार्क की कायापलट का काम तेज गति से चल रहा है। सुभाष पार्क की तस्वीर बदलने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से कई फेज के काम चल रहे हैं। इनमें 900 मीटर लंबा ट्रिपल ट्रैक का निर्माण हो रहा है। पहला ट्रैक साइकिल, दूसरा ट्रैक जॉगिंग और तीसरा ट्रैक पैदल चलने वाले लोगों के लिए होगा। बच्चों के लिए आकर्षक झूले लगाए जाएंगे। वहीं पूरा पार्क खूबसूरत पौधों और फूलों से सजेगा। मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने गुरुवार को पार्क में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। योजना के तहत हमने इसको सुभाष उद्यान को सैंक्शन कराया था। अजमेर में अन्य भी हमने जो प्रोजेक्ट पास कराए उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है। प्रारंभिक रूप से हमने इसको 8.5 करोड़ रुपये सैंक्शन कराया था। इसके नाते हमने ये काम शुरू किया था उसको अगस्त के बाद काम शुरू करके चूँकि हमारा सुभाष उद्यान है चलता हुआ पार्क था इसको उसने हमने रोका। एक हमारे अजमेर शहर की जान है शान है ये बगीचा।
इसलिए सबको हम इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें इसके नाते हमने ध्यान में रखते हुए इसको पूरा लगभग 900 मीटर का ट्रैक बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो तीन ट्रैक बना रहे हैं, तीनों ट्रैक अपने साथ साथ ही पैरेलल चलेंगे जिसके अंदर बीच में प्लाजा होगा। प्लाजा से मतलब है कि वो अगर वो अपने ट्रैक को छोड़कर फिर जाना चाहे तो जा सकता है। तो तीन ट्रैक में एक है साइकिलिंग ट्रैक है तो अपना वो साइकिलिंग कर सकेगा। इनको तीनों ट्रैक को आपस में बांटने के लिए हमने बीच में फेंसिंग के टाइप में पेड़ पौधे लगा रहे हैं ताकि वो एक दूसरे को क्रॉस करके जा नहीं सकें। तो एक तो साइकिलिंग के लिए रहेगा, एक जॉगिंग के लिए रहेगा और एक पैदल घूमने वालों के लिए रहेगा। वैसे लगभग ये 900 मीटर का है जिसमें 700 मीटर का काम कंप्लीट हो चुका है अभी तक, 200 मीटर का शेष है। हमारा जितना भी सिविल वर्क है, तो सिविल वर्क तो हम उम्मीद मान के चल रहे हैं कि दिसंबर तक हम इसको सिविल वर्क को पूर्ण कर लेंगे। इसके अंदर हमने पानी का जो पिछली बार था कि पानी की टैंक की कमी थी यहाँ पे और पाइप को लगाते थे तो कहीं पानी ज़्यादा जा रहा था कहीं कम जा रहा था, इसलिए हमने पानी की टंकी भी बनाई। यहाँ पर इस गार्डन को ठीक रूप से सुरक्षित और सुव्यवस्थित रख सकें इसके लिए यहाँ पे हमने ऑफिस का भी निर्माण किया। इसमें हमने बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर सकें तो यहाँ पे टॉय ट्रेन का भी हमने एक पोर्शन दिया है। एक बच्चों की लाइब्रेरी भी हम यहाँ पे जो बिल्डिंग है इसके अंदर बच्चों की लाइब्रेरी भी बना रहे हैं। हमारा जो कुआ है यहाँ पे जो परंपरागत कुआ है जिसको दूधिया का कुआ कहते हैं, ये दूधिया के कुएँ के आसपास को हमने प्लांट किया है। यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन बना रहे हैं, यहाँ पर बाहर दिखते हुए इसको फूड कोर्ट एरिया भी बना रहे हैं, इसमें बोटिंग के लिए भी बना रहे हैं। इसी प्रकार से जो मंदिर है, मंदिर के चार चौखाने हमने बने उसको हम फोर बाग के रूप से नाम में दे रहे हैं। तो एक में तो शिवालय आ गया, एक में हम गुलाब के लगाएंगे, दूसरे में हम और पौधे लगाएंगे, तीसरे में और पौधे लगाएंगे, तो मतलब वो एक साथ देखने को रहेगा। एक हमने जो परंपरागत यहाँ पे फाउंटेन था उस परंपरागत फाउंटेन को भी हम इसमें तैयार कर रहे हैं। सुभाष चंद्र यहाँ पे सुविधाएँ की कमी थी, जैसे किस बार होता था कि घूमता घूमता आदमी को अगर टॉयलेट वगैरह लगाया तो कहीं ना कहीं उसको बाहर जाना पड़ता था या वो फिर कहीं ना कहीं गंदगी करता था, इसलिए हमने उसको जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए टॉयलेट ब्लॉक का भी यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति को हमने यहाँ पे पहले स्थापित किया था, उसको सुव्यवस्थित करके इनकी सुभाष चंद्र बोस की क्या जीवनी है इस हम जीवनी को भी यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे ताकि आने वाला ये जाने कि सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के लिए क्या बलिदान किया। तो यहाँ पर ज्ञान का भी है, योग का भी है, बच्चों के लिए भी है, योग बुजुर्गों के लिए भी है, साइकिलिंग करने वालों के लिए भी है, खाने पीने आया है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे सुविधा कर रखी है। और एक खुला पोर्शन इस बात का भी रखा है कि कोई रंग कर्मी अपना छोटा मोटा कोई फंक्शन किसी प्रकार का करना चाहे तो वो भी आके यहाँ पे बैठ के आनंद ले सकते हैं। इसको हमने फेज वाइज टुकड़े टुकड़ों में इस गार्डन को किया है ताकि किसी भी प्रकार से जन को एक ही जगह पर आकर सारी सुविधाएँ मिल सकें। तो आज हमने इसके 8.5 करोड़ का तो ये किया, एक हॉर्टिकल्चर्स के लिए हमने 1.5 करोड़ का अलग से टेंडर किया है जिसको कि आज खुल जाएंगे, इसमें जिसमें प्लांटेशन है, पेड़ पौधे लगाने का काम ही है। इसमें कुछ कमी पड़ रही थी तो हमने सरकार से निवेदन किया इसको और हमारे को ठीक रूप से सुचारू करने के लिए, जब ये प्लान बनाता था तो उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी उसको कंप्लीट करने के लिए, तो सरकार ने वो अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है, जैसे अप्रूव्ड हो जाएगा हमारे को सरकार इसमें और पैसे देगी। तो कुल मिला के ये है कि जो अजमेर शहर सपना देख रहा है स्मार्ट सिटी के नाते, जो स्मार्ट सिटी के नाते चाहता है कि सुभाष चंद जो हमारा ये गार्डन है वो एकदम उभर कर आए लोगों के लिए, ये पर्यटन का स्थल बने, इसलिए इसकी सारी है इसकी सुरक्षा की दृष्टि से हमने इसको पूरा चारों तरफ से चाक चौबंद इसको दीवारें ऊंची रह के रहेगा। एक मेन जो गेट रहेगा वो रहेगा सुंदर बिलास की तरफ जो खुलता है, उसको मेन गेट पे भी हमने बहुत आकर्षक भव्य आकर्षक वो गेट तैयार कर रहे हैं। इसके नाते यहाँ सुरक्षा गार्ड रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस नहीं हो, साफ सफाई की सारी व्यवस्था रखते हुए लोगों के लिए एक आकर्षक केंद्र बने। लोकसभा उपचुनाव को लेकर हुई भाजपा महिला मोर्चा की बैठक, महिला मोर्चा प्रभारी ने लिया चुनाव का फीडबैक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस कार्यक्रम को लेकर भी हुआ विचार विमर्श। लोकसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग भारतीय जनता महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। महिला मोर्चा प्रभारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में लोकसभा उपचुनाव भाजपा संगठन को मजबूत बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। उसी की संगठनात्मक बैठक लेने में यहाँ पर आई हूँ और अभी हम लोग जिले की बैठक करने वाले हैं, उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है, उसकी बैठक लेंगे। उसके बाद उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हमारे आए हुए हैं, केंद्र से आए हुए हैं, स्टेट राज्य से भी आए हुए हैं, इन सब का हम यहाँ पर अभी विश्लेषण करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग उसकी बैठक के बाद हम ये भी तय करने वाले हैं कि मंडलों की बैठक में 3 दिन जयपुर अजमेर में हूँ, 3 दिन तक के लिए आई हूँ, प्रवास मेरा 3 दिन का है यहाँ पे। तो हम लोग ये तैयारी भी करने वाले हैं कि कल को हम लोग मंडल की कोई भी एक मंडल में जाके वहाँ की बैठक भी मैं लूँगी, महिला मोर्चे की कितना गठन है, कितना नहीं गठन है, कहाँ कहाँ पर बूथ बना है, कहाँ कहाँ पर विस्तारित योजना हमारी चल रही है, उसके बारे में भी थोड़ा सा अभी मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। और हमारी महिलाएँ सशक्तिकरण पर विषय चल रहा है, उसकी भी एक बैठक लेने वाली हूँ, कितनी महिलाएँ यहाँ पर काम कर रही हैं और बहुत सारे हमारा बहुत अच्छा सा योगदान पार्टी के लिए भी है। तो महिला जहाँ होती है वहाँ तो
मतलब बहुत आनंददायक विषय होता है। सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं चूल्हे से चौपाल में, जहाँ महिलाएं अंदर तक जाती हैं। तो हमारी ये कोशिश भी रहती है कि आगामी आने वाले चुनाव में भी, अभी यहाँ पे उपचुनाव भी होने वाला है, तो हमारे भाई लोग तो सब साथ में हैं ही, लेकिन महिलाओं का बहुत बड़ा एक योगदान चुनाव में भी होता है, तो उनका भी पूरा उपयोग वहाँ तक हो जाए, उसके विषय में हम लोग यहाँ पे बैठक करने वाले हैं। गांव भुवानी में कुएं में डूबने से एक युवक की हुई मौत, रेस्क्यू टीम ने निकाला कुएं से बाहर, देर शाम किया गया सर्च ऑपरेशन। निकटवर्ती गांव भुवानी में कुएं में डूबने से एक ग्रामीण युवा की मौत हो गई। 170 फीट गहराई वाले इस कुएं में गिरे युवा को निकालने के लिए ग्रामीणों ने काफी प्रयास किए, लेकिन लाश को निकालने में सफलता नहीं मिली। एडीएम सिटी के निर्देश के बाद रेस्क्यू टीम को भुवानी रवाना किया गया। टीम के सदस्यों ने काफी प्रयास के बाद 70 फीट गहराई में फंसी लाश को बाहर निकालने में कामयाबी पाई। गांव भुवानी में एक कुएं में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना पर एडीएम सेकंड के आदेश पर एक रेस्क्यू टीम रवाना की गई, जिसमें तैराकों को लेकर के मैं भुवानी ग्राम पहुँचा। वहाँ जाकर के देखा कि एक 150 फीट गहरे कुएं में करीब 70 फीट पानी है, जिसमें एक व्यक्ति गिर करके उसमें उसकी मृत्यु हो गई, जिसे निकालने के लिए गांव वालों ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन नहीं निकल पाया। तो हमारी टीम के तैराक उस्मान खान और कालू सिंह रावत को नीचे कुएं में उतारा गया, जिन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद में एक घंटे के अंदर उस व्यक्ति के शव को ढूंढ निकाला और व्यक्ति को बाहर निकाल लिया। क्या उसकी शिनाख्त वगैरह हुई है? उसकी शिनाख्त के लिए पुलिस लेकर के गई है, अभी तक नहीं हुई थी। क्या वो गांव का ही है? हाँ, ग्राम का ही व्यक्ति था। आपका नाम? विजय यादव, डिप्टी चीफ रेस्क्यू सिविल डिफेंस। बिना सुरक्षा उपाय के हो रही है नालों की सफाई, पहले भी हो चुकी है सफाई कर्मियों की मौत। मुख्य सचेतक ने कहा, कुछ हुआ तो ठेकेदार होगा जिम्मेदार। शहर में स्वाइन फ्लू सहित अनेक मौसमी बीमारियों से निजात दिलाने हेतु संबंधित विभाग द्वारा बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के नालों की सफाई का कार्य करते हुए सफाई कर्मियों को देखा गया। शहर के भगत चौराहे के पास गहरा गड्ढा खोदकर वहां से निकालने वाले सड़ांध मार रहे नाले की गहराई में घुसकर दो सफाई कर्मी बिना इंतजाम अंधेरे में नाले की सफाई कर रहे थे। ज्ञात रहे कि कुछ वर्षों पूर्व इसी तरह गहरे नाले में काम करते हुए दो सफाई कर्मी कीचड़ व गंदगी से निकलने वाली मिथाइल गैस का शिकार होकर जान गंवा चुके हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हमारे संवाददाता हेमंत साहू व कैमरामैन सुमन प्रजापति ने नाले में उतरकर सफाई कर रहे दोनों सफाई कर्मियों की हालत जानी। हमने उनसे बिना मास्क और लॉन्ग शूज को उपयोग में नहीं लेने का कारण पूछा तो कर्मचारियों ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। जब इस बारे में नगर परिषद सभापति बबीता चौहान से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारियों को सफाई कार्य करने की पूरी तरह से सुरक्षा उपायों के साथ काम करने का कहा गया है। यदि कोई लापरवाही की जा रही है तो पता करेंगे। परिषद मुख्य सचेतक रविंद्र जॉय ने बताया कि ठेकेदार को कर्मचारियों को सुरक्षित उपाय के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है, यदि अनहोनी होती है तो ठेकेदार जिम्मेदार होगा। सफाई करवानी है तो टीम तुरंत पहुंचती है और सफाई अभियान चल रहा है ब्यावर में। और जो अभी बारिश से जो बीमारियां हो रही है, गले गले तक कीचड़ में डूबा था। आपको पता होगा पूर्व में कई वर्षों पूर्व दो तीन अपने कर्मचारियों की इस दुकान देखा भी फिर मौत का शिकार भी हो चुके हैं। तो उनके लिए आप क्या मास्क वगैरह या उनका ऐसा कुछ दिया कर्मचारियों को दिया? ऐसा है तो उन्हें मास्क वगैरह जो भी सुविधा है वो देंगे, और वैसे उनके पास है, उनको सबको दे रखी नाला गैंग टीम को जो ग्लो हैंड ग्लोव पहन पैरों में पहनने के जूते वगैरह सब है उनके पास, पर वो क्यों नहीं पहन रहे हैं या क्या है ये मालूम करेंगे हम लोग कि वो क्यों नहीं पहन रहे। बाकी हमने दे रखे हैं उनको। शहर के अंदर जो सफाई अभियान चल रहा है, गहरे गहरे नाले हैं, गहरे गहरे नालों के अंधेरों में घुस के आपके कर्मचारी कीचड़ के अंदर गले तक सने हुए हैं और वहाँ पे वो संडाद मार रहा है, और आपके कर्मचारियों को किसी भी तरह की कोई सुविधा ही नहीं दी गई है, जिससे वो मास्क या सॉक्स वगैरह ऐसा कुछ पहने। कल में कुछ हादसा हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे और आपने क्या व्यवस्था कर रखी है इनके लिए? जैसा कि अभी आपने बताया है, नालों में कर्मचारी कंधे तक डूबे हुए हैं, तो उसके लिए हमने जो ठेकेदार को ठेका दे रखा है उसमें सारी शर्तें हैं, जिसके उनके पैर में बूट, हाथों में गल्स, नाक पे ढकने के लिए। अगर ये ठेकेदार इतने नालों के अंदर अगर कर्मचारी को उतारता है तो ये वो दोषी है, और इसका खामियाजा भी उस ठेकेदार को ही भोगना पड़ेगा। इसमें हमें मालूम है आगे आगे ऐसा आज से हुआ है, अगर नाला इतना भरा है तो पहले उसको किसी मशीन के माध्यम से पानी खत्म करना चाहिए फिर उतारना चाहिए। अगर वो कर्मचारी उतारता है अपने ठेके के
तो गलत है, और अगर परमानेंट कर्मचारी को उतारते हैं तो ये इसकी नगर परिषद जिम्मेदार रहेगी अगर कोई हादसा होता। वसुंधरा सरकार किसानों के हित की अनदेखी कर रही है। किसान खेत प्रकोष्ठ ने लगाया आरोप, कलेक्टर पर प्रदर्शन कर की नारेबाजी। किसान खेत प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान खेत प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सत्ता में आने से पहले किसानों के साथ ऋण माफी के झूठे वायदे किए थे। आज राज्य का किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन वसुंधरा सरकार उनका समाधान नहीं कर रही है। आंदोलन के चलते लोगों के लिए दूध और सब्जी की मुश्किल खड़ी हो रही है। उसके बावजूद आज सरकार बारहवें दिन ये कह रही है कि हम आज सोचते हैं कि क्या बात करनी है किसानों से, क्या सिर्फ यही वादा करके बीजेपी सरकार इसमें सत्ता में आई थी, क्यों झूठे वादे किए थे। आप देख रहे हैं एक एक करके दिन उनके किस तरह से किसानों से गुजर रहे हैं। राजस्थान में बरसात जो है नहीं के बराबर हुई है, उनकी जो सारी फसलें हैं वो यूँ ही बनी है, और जो मूंग का भी आप समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, सरकारी समर्थन मूल्य, मूंग की फसल इतनी कम हुई है कि अगर उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिला तो वापस सरकार आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। और जो सरकार की जो उनकी बातें नहीं मान रही है किसानों की, तो आने वाले समय में आप देखिएगा जो चुनावी समय है उसमें सिर्फ किसान इनकी नींव खिला देंगे और उनकी बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है, हर वक्त तंग आ चुका है बीजेपी से, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं लग रही है। आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो भी किसानों की मांगें हैं वो पूरी की जाए और उनका समर्थन मूल्य सरकारी जो है उनका वो राज्य के द्वारा राजस्थान के अंदर चुनाव के समय किसानों के प्रति जो वादे किए संपूर्ण ऋण माफी का, चाहे रबी की फसल हो खरीफ की फसल हो समर्थन मूल्य का, मगर पिछले कई दिनों से आप विभिन्न अखबारों के माध्यम से देख रहे हो कि राजस्थान के अंदर किसानों के बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया, और उनकी गलत नीतियों के चलते आज पूरे राजस्थान के नहीं पूरे भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और आज ये स्थिति है कि राजस्थान के अंदर कम बरसात होने की वजह से अभी जो वर्तमान में जो खरीफ की फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और मूंग की जो फसल है वो कम मात्रा में पैदा हुई है, जिसका भाव नहीं के बराबर है, काश्तकारों की कोई प्रकार की लागत मूल्य वापस नहीं आ रही है। और आपको मालूम है कि पिछले 7-8 दिन से पूरे राजस्थान के अंदर विभिन्न जगहों पर किसानों ने चक्के जाम कर रखे हैं अपने मांगों को मानने के लिए, मगर सरकार उस पर कोई सकारात्मक कदम। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि अगर समय रहते किसानों की अगर मांगों को राजस्थान की सरकार अगर नहीं मानेगी तो पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान कांग्रेस सड़कों पे आ जाएगी और किसानों के लिए ईंट से ईंट बजा देगी, क्योंकि आज हिंदुस्तान का जो किसान है उसे डीजल की मार, पेट्रोल की मार और फसल का कोई भी प्रकार का समर्थन मूल्य सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। आपको मालूम है इस समय पशुओं को जो सबसे बड़ा चारे का संकट है, गाँव में पानी नहीं है पीने के लिए, सरकार के प्रति कोई इसका रवैया नहीं है। इस सभी मांगों को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। नाम बताओ आपका? कानाराम चोटिया, किसान खेत एवं मजदूर प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष। धूमधाम से निकलेगी अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा। 16 से 23 सितंबर तक मनाया जाएगा अग्रसेन महोत्सव। कई कार्यक्रम में लेगा अग्रवाल समाज भाग। हर साल की तरह अग्रवाल समाज अग्रसेन जयंती मनाएगा। इसके तहत 16 से 23 सितंबर तक हर दिन एक बड़ा कार्यक्रम होगा। महोत्सव की शुरुआत 16 सितंबर को वाहन रैली से होगी। वाहन रैली केशरगंज से शुरू होकर अग्रवाल स्कूल पर समाप्त होगी। महोत्सव के दौरान रक्तदान, अग्रसेन मेला, खेलकूद, अंताक्षरी, हास्य कवि सम्मेलन, शोभा यात्रा, संस्कृति साध्य और भोजन प्रसादी होगी। सभी कार्यक्रमों में अग्रवाल समाज की महिला, पुरुष और बच्चे भाग लेंगे। 41वीं जयंती अजमेर का सकल अग्रवाल समाज अग्रसेन महोत्सव समिति और अग्रवाल पाठशाला सभा के अंतर्गत 8 दिवसीय कार्यक्रम मनाने जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम अग्रवाल समाज के लोगों के लिए व आम जनता के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 16 सितंबर से 23 सितंबर तक 8 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत हम प्रेरणादायक, मनोरंजन व समाज को कुछ देने वाले कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें 16 सितंबर को हमारा वाहन रैली व साइकिल रैली के साथ केसरगंज से हम ये यात्रा प्रारंभ करके या अग्रवाल स्कूल में समाप्त करेंगे, जहां हम झंडारोहण के रूप में इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। 27 सितंबर को हमारे प्रातः रक्तदान का एक बड़ा कार्यक्रम अग्रवाल स्कूल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अग्रवाल समाज के बंधु तो रक्तदान कर सकेंगे ही, इसके अलावा अन्य वर्ग के भी अगर रक्तदान के लिए आएंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे।
17 तारीख को ही शाम को सद्भावना का प्रतीक अग्रसेन मेला हमारे यहाँ स्कूल में आयोजित किया जाता है, जिसमें अग्रवाल बंधु आपसे सहयोग से मेल जोल से सद्भावना का कार्यक्रम पेश करते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं। इसके लिए कई स्टॉल्स वगैरह यहाँ खाने पीने की लगाई जाती है, उनके मनोरंजन के लिए स्टेज पर कई कार्यक्रम किए जाते हैं, साथ में बच्चों के लिए झूले वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ की जाती है। 18 सितंबर को महिलाओं के लिए खेलकूद का कार्यक्रम और आम अग्रवाल समाज के लिए एक अंताक्षरी का कार्यक्रम भी हम आयोजित करते हैं। 19 सितंबर को महिलाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें अग्रवाल समाज की महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने हुनर का और कला का प्रदर्शन करती है और ये देर शाम तक कार्यक्रम चलता है, जिसमें सैकड़ों महिलाएं भाग लेती है। 20 सितंबर को हम आम जनता के लिए, अजमेर की जनता के लिए और अग्रवाल समाज के लिए भी एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का, हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जो हमारा कवि सम्मेलन पिछले 10 सालों में पूरे देश में प्रसिद्ध भी पा चुका है। इसमें हम अच्छे कवियों को, जो हास्य के बढ़िया कवि है और जो नए कवि है, उन सबको बुलाकर प्रोत्साहन देते हैं। और 21 सितंबर को हमारे जो अग्रवर्तक भगवान अग्रसेन जी की है, उन शोभा यात्रा उनकी अजमेर में निकालेंगे, जो विभिन्न मार्गों से उठती हुई अग्रसेन भवन में जाके, अग्रसेन नगर में जाके समाप्त होती है। और 22 को हमारा सांस्कृतिक संध्या व प्रतिभा सम्मान समारोह होगा और 23 को भोजन प्रसादी का कार्यक्रम होगा, इसमें कलेक्टर गौरव गोयल साहब और माननीय जी अग्रवाल भी अपनी शिरकत करेगी। मेरी अपील है समिति की ओर से, पाठशाला सभा कार्यकारिणी की ओर से, समाज के लोगों की ओर से, कि सारे कार्यक्रमों में सभी समाज के बंधु बढ़ चढ़ के भाग लें और कार्यक्रम को सफल बनाने। अशोक कंसल, अग्रसेन महोत्सव समिति। हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए रेलवे प्रशासन ने किया प्रयास, हिंदी भाषा पर आयोजित की विचार गोष्ठी, संत और विद्वानों ने लिया भाग। हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए DRM पुनीत चावला ने प्रशासनिक पहल की। उन्होंने रेलवे कर्मचारियों में हिंदी भाषा में अधिक से अधिक काम करने की भावना विकसित करने के लिए सर्कुलर निकलवाया। इसके साथ ही DRM ऑफिस में विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इसमें हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। राजभाषा पखवाड़ा 2017 का समापन दिवस है। ये हिंदी दिवस भी है। हमने इस आज के दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में जितने हमारे स्टाफ उत्तीर्ण हुए हैं, जितने उन्होंने प्राइजेस, उनके ही हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, पारितोषिक दिए गए उनको। इससे हमारे स्टाफ में हिंदी में काम करने में प्रोत्साहन जो है मिलता है। हिंदी में काम करना हमारा एक संवैधानिक कर्तव्य भी है, क्योंकि हमारा जो अजमेर हिंदी जैसा हाल रहा यूनिवर्सिटी में हुई परिचर्चा का। परिचर्चा में नजर आए केवल 8 विद्यार्थी, पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई। जैसी हिंदी भाषा की हालत है, वैसे ही MDS यूनिवर्सिटी में हुई हिंदी परिचर्चा की हालत रही। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग की ओर से हिंदी भाषा पर परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा के दौरान पूरी क्लास लगभग खाली रही। गिनती के 8 विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा के महत्व को समझा। इसमें भी लेक्चरर ने अपने ज्ञान में बताया कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला, जबकि ये जानकारी ही गलत है। हिंदी भाषा केवल राज्य कार्य की भाषा के रूप में स्वीकार की गई है, इसे कभी भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। यूनिवर्सिटी में काव्य पाठ के अलावा पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई। एक मिनट, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी विभाग महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में हमने एक परिचर्चा और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें यहाँ के स्नातकोत्तर हिंदी के जो छात्र छात्राएं हैं वो उत्साह से भाग ले रहे हैं। और आज इसी अवसर पर अभिनव प्रकाशन अजमेर की ओर से पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिनमें विभिन्न विषयों की जो विविध पुस्तकें हैं उनका प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, जिसमें छात्र छात्राएं अपना अवलोकन कर लाभान्वित होंगे। आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर राजेश शर्मा, हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। खबर विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें foreignlearning.com, सच के साथ।
जंग। सिर्फ दावा नहीं, हकीकत है। अजमेर शहर की हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज, केवल 30 मिनट में आपके मोबाइल पर। हेडलाइन शाम 5 बजे, बुलेटिन शाम 6:30 बजे। देखने के लिए विजिट करें होराइजन हिंद न्यूज़ सच के साथ।